सिद्धौली कोतवाली परिसर में नए कोतवाली प्रभारी ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य कस्बे में होने वाले क्राइम पर नियंत्रण करना तथा कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित करना मीटिंग का उद्देश्य था। इसके बाद वहां पर उपस्थित व्यापारियों ने मांग की कि कस्बे में होने वाले अतिक्रमण तथा महमूदाबाद चौराहा, विश्वा चौराहा, तहसील रोड पर डगामार वाहनों द्वारा जो सवारी भरी जाती है उससे आए दिन व्यापारियों को समस्याओं से जूझना पड़ता है और जो कोतवाली के पास खड़े वाहन से तहसील रोड पर जाम की समस्या बनी रहती है। इस पर नवनियुक्त कोतवाली प्रभारी ने इन समस्याओं को तुरंत दूर करने का निर्देश दिया। इस मौके पर वहां व्यापार मंडल के प्रभारी प्रकाश नारायण रस्तोगी, संजय प्रकाश सिंह, गुड्डू रस्तोगी, राजू मिश्रा, बलराम कौशल, अयोध्या बर्तन वाले, महेंद्र सिंह चौहान, परितोष जैन आदि कस्बे के व्यापारी गण मौजूद रहे। थाने परिसर में मीटिंग का आयोजन हुआ है, इसका क्या उद्देश्य था? आज नए इंस्पेक्टर साहब आए, सबसे मुलाकात पदाधिकारियों से करना चाहते थे, मुलाकात सबसे हुई और जो आगे की रणनीति है कि चोरी ना हो, क्राइम ना बढ़े, इसके बारे में पूरी विधिवत चर्चा हुई और कैमरे जो नहीं लगे हैं दुकानों पे, उस पर हुआ कि दुकानों पे कैमरे लगाए जाएं, यही चर्चाएं आज हुई हैं। अच्छा, व्यापार मंडल द्वारा कोई मांग थी आज? हाँ, व्यापार मंडल से मांग की गई जो अतिक्रमण, ये आपका ये टेम्पो वगैरह जो चौराहे पे खड़े होते हैं, महमूदाबाद चौराहे पे, बिस्वा चौराहे पे, तहसील चौराहे पे, जो लोगों को निकलने में दिक्कत होती है, व्यापारी को अपना सामान बेचने में दिक्कत होती है, और आप ये थाने के पास में एक ट्रक खड़ा हुआ है उससे अतिक्रमण काफ़ी तहसील रोड पे बाधित रहता है, इसके बारे में व्यापार मंडल ने इस बात को उठाया। अच्छा, जो नए इंस्पेक्टर साहब आए हैं तो इनके द्वारा क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? आश्वासन उन्होंने इंस्पेक्टर साहब ने दिया है कि ये जल्द से जल्द ये करवाया जाएगा। तो आज जो व्यापार मंडल में थे, किस किस मतलब व्यापार से संबंधित लोग आए थे? व्यापार, जितने व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं जी, हर दुकानदार, जैसे कि सर, जैसे कपड़ा व्यापारी, ज्वेलर्स है आपका, रेडीमेड है, बर्तन व्यापारी है, परचून व्यापारी है और लोहा व्यापारी है, जितने व्यापारी हैं सब लोगों के हम लोगों ने पदाधिकारी बना रखे हैं, वो सब लोग मौजूद थे, उनके सबके सामने ये चर्चाएं हुई। कस्बे में साप्ताहिक बंदी रविवार होने के बावजूद कुछ लोग दुकानें खोलते हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें हम लोग प्रयास किए हैं, लेकिन ये शासन की तरफ से बंद है, शासन का ये जो आपका लेबर इंस्पेक्टर या जो DM साहब ने निर्देश दिए हैं तो ये खुद कार्रवाई करवाएंगे।